यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे पट्टचित्र कला की दुर्लभ पेंटिंग तकनीक के बारे में। हाल ही में रायपुर छत्तीसगढ़ में एक पेंटिंग कैंप आयोजित हुआ है। यह कैंप श्री राम कथा पर आधारित है। इस कैंप में 6 राज्यों के विभिन्न शैलियों के पुरस्कृत चित्रकार शामिल होंगे। इन पट्टचित्र कलाकारों द्वारा दुर्लभ पेंटिंग तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके तहत हाथ से बने कैनवास पर समुद्री पत्थरों और पहाड़ की चट्टानों से बने रंगों का उपयोग किया जाएगा। इस कैंप में कालिदास पुरस्कार विजेता प्रहलाद महाराणा भी शामिल हैं। प्रहलाद महाराणा शिव पुराण पद्धति पर आधारित पट चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस चित्रकला शिविर में प्रहलाद महाराणा रामायण के बालकांड पर पट चित्र बनाएंगे। इन पट चित्रों की विशेषता क्रमवार कहानी होती है। आपको बता दें कि ओडिशा पेंटिंग के 3 प्रकार होते हैं। ये हैं पट्टचित्र, भित्तचित्र और तालपत्र चित्र या पोथे चित्र। पट्टचित्र पेंटिंग शैली ओडिशा की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कलाकृतियों में से एक है। गौरतलब है कि कपड़े पर बनाई जाने वाली स्क्रॉल पेंटिंग को पट्टचित्र कहा जाता है। पट्टचित्र में पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा और चित्र का अर्थ होता है तस्वीर। यह पेंटिंग शैली ओडिशा सहित पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। इस पेंटिंग का मुख्य विषय हिंदू देवी देवताओं की कहानियां होती है। इन पेंटिंग्स में सबसे लोकप्रिय विषय थिया बधिया होता है, जो कि श्री जगन्नाथ के मंदिर का चित्रण होता है। इसी प्रकार दास बतारा पट्टी भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण होता है। इसी के साथ ही पंचमुखी पेंटिंग भगवान गणेश का 5 मुख वाले देवता के रूप में चित्रण होता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।